उचित मूल्य की दुकान में किया गबन, हुई सेल्समैन के विरुद्ध एफआईआर। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं कुकड़ेश्वर नगर से संचालित एकमात्र न्यूज चैनल MP7 न्यूज। हम कुकड़ेश्वर संबंधी हर प्रकार की खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए कुकड़ेश्वर की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, उचित मूल्य दुकान पर पाई गई अनियमितता। उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक एवं भाव सूची बोर्ड में स्टॉक संबंधी जानकारी अपूर्ण पाई गई है तथा स्टॉक बोर्ड में जानकारी प्रविष्ट नहीं पाई गई। वहीं विक्रेता द्वारा मौके पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। वहीं राशन कार्ड धारियों की सूची नहीं पाई गई। वहीं उचित मूल्य दुकान पर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित उपभोक्ताओं के कथन अनुसार विक्रेता द्वारा समस्त राशन सामग्री POS मशीन में एक ही साथ दर्ज की जा रही है, किंतु उपभोक्ताओं को एक साथ वितरण नहीं किया गया तथा राशन वितरण के दौरान POS मशीन से निकलने वाली रसीद प्रदान नहीं की जा रही है तथा उचित मूल्य दुकान पर भौतिक रूप से उपलब्ध राशन सामग्री की मात्रा AEPDS पोर्टल अनुसार शेष स्टॉक की मात्रा से गेहूं 759 किलोग्राम, चावल 4526 किलोग्राम, शक्कर 20 किलोग्राम, केरोसिन 232 लीटर अधिक एवं नमक 218 किलोग्राम कम पाया गया। अर्थात विक्रेता द्वारा समस्त राशन सामग्री एक साथ प्रदान नहीं की जाकर उपभोक्ताओं से POS मशीन में समस्त सामग्री की प्रविष्टि दर्ज की गई तथा विक्रेत की गई सामग्री दुकान में अवैध रूप से संग्रहित पाई गई। विक्रेता प्रकाश चंद्र कारा द्वारा दुकान संचालन में अनियमितता की जाकर शासन की जनोन्मुखी योजना से अनुचित लाभ अर्जित किए जाने के उद्देश्य से व्यवर्तन विक्रय किया जाना पाया गया। शिकायतकर्ता हसमुख पिता रामचंद्र बोहरा निवासी कुकड़ेश्वर द्वारा दिनांक 18/9/2021 को वृत्ताकार प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्था कुकड़ेश्वर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान धाकड़खेड़ी दुकान कोड 44-0-30-35 की जांच हेतु विक्रेता प्रकाश चंद्र कारा पिता कन्हैयालाल कारा निवासी कुकड़ेश्वर एवं शिकायतकर्ता एवं गवाहों की उपस्थिति में की गई, जिस पर शासकीय उचित मूल्य दुकान धाकड़खेड़ी के विक्रेता प्रकाश चंद्र कारा का उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कंडिका 10-4-11-1-11-6-11-8-11-10-13-1-2 व प्राधिकरण पत्र की शर्त क्रमांक 3-4-5-6-9-10-14-18-28-29 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यकता अनुसार अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है। शासकीय उचित मूल्य दुकान धाकड़खेड़ी की जांच कर जांच प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी मनासा के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर जिला नीमच को प्रकरण की मूल अस्थिमय दस्तावेज प्रस्तुत की गई। कलेक्टर द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान धाकड़खेड़ी के विक्रेता प्रकाश चंद्र कारा पिता कन्हैयालाल कारा निवासी कुकड़ेश्वर तहसील मनासा तथा वृत्ताकार प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्था कुकड़ेश्वर के प्रबंधक हरिशंकर पिता बगदुराम मालवी निवासी माली मोहल्ला कुकड़ेश्वर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जिला आपूर्ति अधिकारी जिला नीमच को दिए थे। जिला आपूर्ति अधिकारी जिला नीमच द्वारा इस संबंध में पुलिस थाना मनासा को शासकीय उचित मूल्य दुकान धाकड़खेड़ी के विक्रेता एवं वृत्ताकार प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्था कुकड़ेश्वर के प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेश किया गया, जिस पर पुलिस थाना मनासा द्वारा उक्त के विरुद्ध FIR दर्ज कर अपराध कायम कर विवेचना हेतु उप निरीक्षक हर्षिता सांवरिया के जिम्मे किया गया है। कुकड़ेश्वर संबंधी खबरें देखने व पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।